हेलो गाइस, इट्स मी दीपक। वेलकम टू माय चैनल आर्टोलिक दीपक। सो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोई भी एक सस्ता टी शर्ट, जैसे कि मैं मेरा जो टी शर्ट पहना हुआ है, ये वाला टी शर्ट ओनली ऑन 99 रुपए का, 99 रुपीज का है। इस टी शर्ट को हम पेंटिंग करके कैसे बहुत ही ज्यादा शानदार और प्रीमियम बना सकते हैं 399 रुपीज के जैसे टी शर्ट रहता है। कोई प्रिंटिंग वाला टी शर्ट है, जो मेरा टी शर्ट है पूरा प्लेन टी शर्ट है, इसके ऊपर हम फैब्रिक कलर से एक अच्छा सा सुंदर से पेंटिंग करेंगे और फिर देखिए ये वाला टी शर्ट 99 रुपए से कैसे एक प्रीमियम टी शर्ट की तरह लगेगा। तो गाइज, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए आखिर तक। तो दोस्तों, टी शर्ट पेंटिंग के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक टूडन एम्ब्रॉयडरी, जो कि आपको कोई भी एक दुकान में मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता रहता है, 100 रुपये के अंदर आपको मिल ही जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिल पा रहा है आपके शहर में, तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भी सारे ही ऑनलाइन परचेजिंग स्टोर पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। इसमें दो ठो रिंग रहता है, एक छोटा वाला, बड़ा वाला। आपको छोटा वाला रिंग को टी शर्ट के अंदर डालना है, उसी पार्ट को डालना है जिस पार्ट के अंदर आपको कुछ ड्रॉ करना है, फिर बड़ा वाला को छोटा वाला के अंदर लगा के स्क्रू से पूरा टाइट कर देना है। फिर आपको एक कैनवास मिल जाएगा, जो कि आपका टी शर्ट से टोटल कैनवास बन जाएगा। फिर उसके ऊपर आप जो चाहे वो ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मेरा जो डिज़ाइन मैंने सोचा हुआ है वो मैंने बनाने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड के लिए डार्क कलर से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे इसीलिए, फिर उसको थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट करके करते जा रहा हूँ। आप आखिरी तक देखिए कि वीडियो में मैं क्या बनाने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। जैसे कि अभी गणपति महोत्सव आ रहा है, गणपति जी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना गणेश पूजा में मैं एक ऐसा टी शर्ट पहनूँ जिसमें गणेश जी का डिज़ाइन हो, वो भी जो मुझे चाहिए वैसा ही। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव कलर सब यूज किया, ब्लू, डार्क ब्लू, फिर स्काई ब्लू, फिर व्हाइट, फिर ऐसे करते करते येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन से अभी मैंने जो बना रहा हूँ ना, एक गणेश जी को जो पूरा टोटल बेस होगा इसके ऊपर ही मैंने गणेश जी को मुझे बनाना है। तो आप देखिए कि मैं उसको व्हाइट क्यों कर रहा हूँ, व्हाइट करने से आप जितना बैकग्राउंड आप लाइट करेंगे आपका ऑब्जेक्ट उतना ही उभर के आएगा। कि मैं जो बना रहा हूँ, जैसे गणेश जी में बना रहा हूँ, ताकि वो उभर के दिखे। अब देखिए कैसे मैंने जब गणेश जी को बना लिया तो प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं ना क्यों मैंने इस टाइप का कलर कलर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट का बात रहता है जब भी आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं। तो इधर जो डिज़ाइन है वो बन चुका है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा डिज़ाइन मुझे देख के। तो आप भी दोस्तों समझ सकते हैं ना, आपको अगर ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वाला कैसा लग रहा है। फिर आपको क्या करना है, पूरा बनने के बाद बड़ा जो रिंग है उसको निकाल लेना है स्क्रू को ढीला करके, और छोटा वाला को भी बहुत ही बारीकी से उसको निकाल लेना है, फिर आपका टी शर्ट रेडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि मैंने कैसे फैब्रिक कलर की मदद से मेरे टी शर्ट को पेंटिंग कर दिया है। जैसे कि गणेश पूजा आ रहा है, तो इसीलिए मैंने एक मेरे टी शर्ट में एक तो गणेश जी का ड्राइंग किया हुआ है और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला पेंटिंग कैसे लग रहा है। मैं सिर्फ़ एक 99 रुपये का टी शर्ट, 99 रुपीज़ का टी शर्ट ला के उसको फेब्रिक कलर की मदद से इतना अच्छा, इतना प्रीमियम बना दिया हूँ, वो भी मेरे खुद के डिज़ाइन, मेरे को जो मेरे को मन में था कि इस तरीके का मैं टी शर्ट पहनूँ, तो मैंने तो कर लिया है। अब आपके बारे, अगर मेरे को ये वाला आपको अगर मेरा ये वाला तरीका अच्छा लगा है तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम में मेरे को टैग कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी का नेम है आठोलिक दीपक। और अगर आज का ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यार लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही बेहतरीन नए नए कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा आर्ट रिलेटेड। तो